जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय आह्वान पर आज चंदौसी के फवारा चौक पर ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पुतला फूंककर व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया, देश प्रेमी जागो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शाह आलम मंसूरी ने कहा कि देश व प्रदेश में ऑनलाइन बिक्री के बढ़ते हुए व्यापार ने खुदरा व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। खुदरा व्यापार मात्र 25% रह गया है। कुछ वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ऑनलाइन बिक्री करने और धांधली के कारण खुदरा व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। व्यापारी समाज सरकार और समाज का स्तंभ है, अपनी जान जोखिम में डालकर अपना व्यापार उद्योग चलाता है, समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है, सरकार को कर कलेक्ट करके देता है। खुदरा व्यापार और व्यापारियों को बचाने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देश के व्यापारियों को एक मंच पर इकट्ठा करके एकजुटता से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाकर नकेल कसेगा। सरकार से भी पुरजोर अपील की कि इस प्रकार आंखें मूंद कर नहीं बैठा जा सकता, सरकार को हर हाल में इन पर अंकुश लगाकर नकेल कसनी पड़ेगी, वरना छूट सेल और त्योहारों के नाम पर खुदरा व्यापार और व्यापारियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। किया है, क्या है पूरा मामला? वर्तमान में व्यापार की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। ऊपर से ऑनलाइन व्यापार की वजह से खुदरा व्यापार और खुदरा व्यापार की स्थिति शून्य स्थिति पर आ चुका है। व्यापारी अपने परिवार का जीवन यापन करने में बड़ा असहाय हो चुका है और उनकी दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों से भी सैलरी देने में परेशान है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र ऑनलाइन व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं, जिससे कि हम अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकें। उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय नेतृत्व आह्वान पर आज देश प्रेमी जागो अभियान के तहत चंदौसी में ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पुतला फूंक कर व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया, क्योंकि व्यापारी खुदरा व्यापार जो है ऑनलाइन कंपनी की वजह से सिर्फ 25% रह गया, जिसकी वजह से व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। हमने सरकार से पुरजोर अपील की है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अंकुश लगाया जाए ताकि खुदरा व्यापार बच सके, क्योंकि व्यापारी देश के और समाज के एक स्तंभ है। व्यापारी सरकार को कर के रूप में टैक्स देता है और सरकार को चलाने में मदद करता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकेल कसी जाए और इनके खिलाफ जो है प्रतिबंध लगाया जाए। बहुत जल्द राष्ट्रीय नेतृत्व जो है देश के व्यापारियों को एकजुट करके इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाए।